वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। क्या हाल चला भाई? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपका भाई बहुत ही बढ़िया है। और भाई, तीन चार दिन से वर्कआउट चल रहा है, लेकिन वर्कआउट में वो मज़ा नहीं आ रहा जो मज़ा पहले आता था। तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा भी आ जाएगा, लेकिन वर्कआउट बहुत ही बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप तीन चीज़ अगर इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में करते हैं, तो आपकी आपकी बॉडी, आपकी हर चीज़ में फ़र्क दिखेगा। जैसे कि सबसे पहली चीज़ वो है जिम यानी वर्कआउट, और दूसरी चीज़ वो है अच्छी डाइट, और तीसरी चीज़ वो है एक अच्छी स्लीपिंग यानी नींद। अगर आप समय से सो रहे हैं, समय से खा रहे हैं और समय से वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छा असर दिखेगा। तो दोस्तों, मैंने अपने डाइट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करी है, जो मैंने काफ़ी जगहों पे ट्राई भी किया था, काफ़ी बातचीत की, काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकाली, तब जाके मैंने एक चीज़ ऐड करी। वैसे मैं अपनी डाइट में कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता हूँ, तो बहुत सोच समझने के बाद मैंने चीज़ ऐड करी, वो है एक क्रिएटिन, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दोस्तों, पता क्या होता है, इसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं। जैसे हर एक इंसान के बेनिफिट्स भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, तो वैसे क्रिएटिन ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी पर एक अच्छा इम्प्रूव भी लेकर आएगी और बिगाड़ भी सकती है। सबसे पहला फ़ायदा, आपको आप कई लोग सवाल करेंगे इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि अगर आप इसको लेते हैं, आप किसी भी कंपनी के लीजिए, लेकिन अच्छी तरह से उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकाल के अच्छी तरह से इस कंपनी को लीजिए क्रिएटिन, तो इसका फ़ायदा पता क्या है दोस्तों। एक तो सबसे पहले आप इसको ड्यूरिंग वर्कआउट लेना आपने, ठीक है, ये आपको सबसे पहले आपकी मसल्स में ग्रोथ बढ़ाएगा, और आपकी जो आप जिम में आप वेट उठाते हैं, उससे डबल वेट उठाने का आपको एक पावर देगा। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप इसके साथ साथ आपने कम से कम डेली 5 से 6 लीटर पानी पीना है, और अगर आप 5 से 6 लीटर पानी नहीं पी पाते, तो आपकी ये तो आपकी किडनी भी खराब कर सकता है। तो ज़रा सोच समझ कर, प्रोटीन अलग चीज़ होती है, जैसे कि प्रोटीन होता है वो अलग चीज़ होती है, क्रिएटिन अलग चीज़ होती है। प्रोटीन आपके क्या काम आता है, जैसे कि मेरा भी वेट है 70 का डबल क्या होता है 140, यानी 140 ग्राम हमको डेली प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी में। तो इतना जो बंदा काम करता है, जो समय जो बाहर रहता है, घर से बिजी रहता है, वो इतना प्रोटीन कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ हद तक कर लेगा, लेकिन इतना 140 ग्राम उसके लिए जितना उसका वेट होता है, मतलब वेट के हिसाब से पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए कई लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन, जिसमें आप दिन में आप एक चम्मच बहुत होता है, 25 ग्राम 1 स्कूप में मिलता है आपको प्रोटीन। आप ले सकते हैं, अच्छी बात है, आपको एक डाइट पूरी कंप्लीट होने में आपको वो हेल्प करता है। क्रिएटिन पर, क्रिएटिन अलग चीज़ होती है, क्रिएटिन और उसमें प्रोटीन में बहुत दोनों में बहुत अंतर है। क्रिएटिन आपको एक एनर्जी देती है प्री वर्कआउट की तरह, कि आप मसल ग्रो करें, और आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन एक अपने डाइट में एक चीज़ ऐड करिए, क्योंकि आपके अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ बहुत ही आगे चल के काम आती है। तो बाकी आपके भाई का वर्कआउट बहुत ही बड़े चल रहा है, भाई थोड़ी देर चलते हैं, थोड़ा डाइट लेते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई जिम। तो मिलते हैं भाई जिम में। सो गाइस, करते हैं स्टार्ट वर्कआउट, देखते हैं आज क्या लगाए। कल तो लगाई थी चेस्ट, आज शायद शोल्डर या बाइस ट्राई, शायद देखते हैं, चलो। Thank you.